तो क्वेश्चन नंबर 241 में क्या दिया है, 1 बाई कॉस थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा बाई 1 बाई कोसेक माइनस कॉट माइनस 1 बाई सेक प्लस 10 इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, तो 1 बाई कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, सेक थीटा माइनस 1 बाई साइन थीटा क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा प्लस 1 बाई कोसेक माइनस कॉट को लिख सकते हैं कोसेक थीटा प्लस कॉट थीटा माइनस सेक प्लस 10 को लिख सकते हैं सेक थीटा माइनस 10 थीटा, ब्रैकेट में आ गया। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक एंड कोसेक कैंसिल हो जाएगा और अपने पास बचेगा कॉट थीटा प्लस 10 थीटा। कॉट प्लस 10 को क्या लिख सकते हैं, कॉस थीटा बाई साइन थीटा प्लस साइन थीटा बाई कॉस थीटा, क्या हो गया, ये तो हो गया आपका साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, कितना रहे 1 बाई साइन थीटा प्लस 1 बाई साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, जिसको लिख सकते हैं कोसेक थीटा इंटू सेक थीटा। तो यही आपका आंसर है, किधर गया कोसेक इंटू सेक, ऑप्शन ए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए क्वेश्चन के साथ।